के विरोध करशे। ત્યારબાદ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા રાહુલ ગાંધી 5મી સપ્ટેમ્બર અમદાવાદ આવશે અને કોંગ્રેસ દ્વારા તાજેતરમાં સ્ક્રીનિંગ કમિટી નિમવામાં આવી છે, જેમની સાથે રાહુલ ગાંધી બેઠક કરશે। ત્યારબાદ 10મી સપ્ટેમ્બરે કોંગ્રેસે ગુજરાત બંધનું એલાન આપશે, જેમાં વેપારીઓને સવારે 8થી લઈને 12 વાગ્યા સુધી બંધ રાખવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ મારું બૂથ મારું ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત 24થી 26મી તારીખ સુધી 1500 આગેવાનો 52,000 ઘરોમાં જઈને બૂથ મજબૂત કરવાની કામગીરી કરશે। राष्ट्रीय कांग्रेस ना कार्यक्रमों जे आपेला छे नी विगतो आपने आपी रह्यो छु। 27मी तारीखे तमाम तालुका मथको उपर मोघवारी अने बेरोजगारी ना मुद्दे जे कार्मिक मोघवारी थी आखो प्रजा हैरान परेशान थई रही छे, बेरोजगारी थी युवानो परेशान छे, ए बन्ने मुद्दा उपर मोघवारी अने बेरोजगारी उपर हल्ला बोलनो कार्यक्रम गुजरातना तमाम तालुका मथकोए 27मी तारीखे थई रह्यो छे। 5 तारीख को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी गुजरात परिवर्तन संकल्प बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 10 तारीख को 4 घंटे का महंगाई बेरोजगारी ड्रग्स जहरीली शराब बिगड़ती कानून और व्यवस्था भ्रष्टाचार इन मुद्दों को लेकर 4 घंटे का गुजरात की जनता को आह्वान करेगी किया है कि वो बंद का करके सांकेतिक सिंबॉलिक बंद करके सरकार की आंख खोलने का काम करें, सरकार को जगाने का काम करें और 24, 25, 26 जगदीश ठाकुर जी हैं पीसीसी अध्यक्ष, ये अपने बूथ में रहेंगे। इन 3 दिनों में ये खुद घर घर जाएंगे, पार्टी के सीनियर लीडर से लेके और हमारे बूथ स्तर के तमाम कैडर के लोग पूरे गुजरात के लगभग 52,000 बूथ में हर घर को अप्रोच करेंगे। एक ये मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम अपने अपने बूथ में डोर टू डोर होगा। अहमदाबाद में हाल चौमासानी मौसम पूर्व बहार में खिलेली जोवा मळी।